नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। 21 अक्टूबर को होने वाले बिहार उपचुनाव में सिवान संसदीय क्षेत्र में आने वाले दरौधा विधानसभा की सीट का चुनावी संघर्ष काफी दिलचस्प होने जा रहा है। यह सीट जेडीयू विधायक कविता सिंह के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई है और जेडीयू ने एनडीए से इस सीट पर कविता सिंह के पति अजय सिंह को टिकट दिया है। इस संघर्ष का पहला कारण तो यह है कि जेडीयू 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े आरजेडी से अलग हो चुका है और अब चार विधानसभा सीटों के उपचुनावों में आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। इनके बीच की पुरानी राजनीतिक लड़ाई फिर से उभर आई है, जिसे 2019 लोकसभा चुनाव में हमने देखा। दरौंदा विधानसभा के चुनावी संघर्ष के रोचक होने का दूसरा कारण करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। वे सिवान नब के पूर्व उपसभापति व वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने भी इस चुनाव में निर्दलीय नामांकन किया है और उन्हें बीजेपी के पूर्व सिवान से सांसद रह चुके ओम प्रकाश एवं अन्य बीजेपी नेताओं को सहयोग भी मिल रहा है एवं कई बीजेपी नेता उनके नामांकन में भी गए थे। करणजीत सिंह का सहयोग कर रहे बीजेपी नेताओं का कहना है कि जेडीयू ने आपराधिक छवि वाले अजय सिंह को टिकट दिया है, इसलिए वे इस सीट पर उनके उम्मीदवार को सहयोग नहीं करेंगे। अगर किसी और को टिकट दिया जाएगा तो वह विचार करेंगे। अब जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है और ना तो जेडीयू ने उम्मीदवार बदला और ना ही करणजीत सिंह ने नाम वापस लिया, तो अब देखना यह होगा कि एक ही गठबंधन के दो नेताओं की लड़ाई किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाती है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर अब तक किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। दूसरी तरफ महागठबंधन इन उपचुनावों में बिखर सा गया है। मांझी और सहनी की पार्टी ने एक एक जगहों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अपना सहयोग महागठबंधन को नहीं देने की बात कह चुके हैं। दरौदा सीट पर उन्होंने किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। आरजेडी ने यहाँ से उमेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उमेश सिंह सिवान के लोपर गांव के रहने वाले हैं। उनकी मां मुखिया पद पर हैं। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उमेश सिंह को आरजेडी उम्मीदवार बनाएगी। अगर इस सीट का चुनावी इतिहास को देखा जाए तो यह सीट पहले महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में आता था और नए परिसीमन के तहत इसे सिवान में शामिल कर दिया गया। 2010 विधानसभा में जब जेडीयू और बीजेपी साथ थे तब यहाँ से जेडीयू की जगमातो देवी विधायक बनी थी। उन्होंने आरजेडी के विनोद कुमार को 31,135 वोटों से हराया था। 2011 में उनके निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ। जेडीयू की कविता सिंह यहाँ की विधायक बनी। 2015 जब जेडीयू बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में आई तो फिर से जेडीयू ने कविता सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने बीजेपी के जितेंद्र स्वामी को 13,222 वोटों से हराया। दरौदा विधानसभा, जो कि 2008 में भारत के परिसीमन आयोग के निर्देश पर अस्तित्व में आया, उस पर 2010 विधानसभा चुनाव से जेडीयू का कब्जा है। अब जबकि एनडीए के जेडीयू से अजय सिंह और एनडीए के ही बागी करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह चुनाव में उतरने से जेडीयू को कितना नुकसान होता है और आरजेडी के उमेश सिंह को कितना फायदा, या फिर बागी और निर्दलीय उम्मीदवार करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह जिन्हें वहां के क्षेत्रीय बीजेपी नेताओं का सहयोग है कि नहीं, अब ये तो 24 अक्टूबर को ही पता चलेगा। पर यह तो निश्चित है कि इस सीट की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी और आने वाले 2020 विधानसभा चुनाव की बहुत कुछ रणनीति ये सीट तय करने वाली है। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे किसी भी अपडेट को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।